नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विक्रम बतवाड़ी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ सिद्ध बाबा बने वाले राजा भर्तृहरि जी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डाडा सिबा कमेटी और स्थानीय लोगों के द्वारा हर वर्ष मई या जून महीने में भंडारा और जागरण करवाया जाता है। चलिए दोस्तों, भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। यह है भोलेनाथ जी का मंदिर। जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये रास्ता जाता है बाबा भर्तृहरि जी के मंदिर की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, जो लोग ऊपर सीढ़ियों के रास्ते से नहीं जा पाते, उनके लिए एक नया रास्ता बनाया गया है, जिस रास्ते से ट्रैक्टर के द्वारा लोगों को ले जाया जाता है ऊपर दर्शन के लिए। ये नया रास्ता है दोस्तों, दूसरी साइड, और ये है पुराना रास्ता सीढ़ियों वाला। तो चलो दोस्तों, हम सीढ़ी के रास्ते से जाते हैं और वापस नए रास्ते से आएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊपर तक, जहाँ तक आपको दिखाई दे रही है उससे भी ऊपर तक ये सीढ़ीदार रास्ता है। दोस्तों, नया जो रास्ता, गाड़ी का जो नया रास्ता है वो यहाँ पर आके समाप्त हो जाता है। इसके आगे का सफ़र आपको पैदल तय करना पड़ेगा। यहाँ पर नया रास्ता जो गाड़ी का है वो यहीं पर आके समाप्त हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजा भर्तृहरि जी के मंदिर में। दोस्तों, ये रहा राजा भर्तृहरि जी का मंदिर सामने। दोस्तों, रात को जागरण यहाँ पर करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं जय श्री सिद्ध बाबा बने वाले राजा भर्तृहरि जी के। चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं।
दोस्तों मंदिर के चारों ओर जंगल होने के कारण इनको बने वाले सिद्ध बाबा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से पोंग डैम का कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये है पोंग डैम जो कि ब्यास नदी पर बनाया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं आप नीचे की तरफ घर की ओर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नए गाड़ी वाले रास्ते से, आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये रास्ता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम बतवाड़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।